मार्केट में चलते चलते पानीपत में जो व्यापारी हैं जिनकी अपनी दुकानें हैं यहाँ पर, थोड़ा सा हम उनकी भी सुन लेते हैं। आखिर इस बार के चुनाव में जो है इन व्यापारियों के मन में क्या है, क्या होने वाला पानीपत में इस बार? अभी बार कुछ नहीं पता, कुछ भी हो सकता है इस बार। बहुत ज़्यादा आजकल बहुत ज़्यादा उल्टफेर होने वाला है लगता है। कोई कोई कहता है बीजेपी जीतेगी, कांग्रेस जीते, कुछ खास पक्का उम्मीदवार नहीं है कोई भी। कांटे की टक्कर है पूरी कांटे की टक्कर। आपके बाद पलड़ा किसका भारी है? पलड़ा तो बीजेपी का भारी है। भारी है बीजेपी का भारी है। अभी कुछ लोग पीछे बोल रहे थे कि कांग्रेस इस बार जो है क्लीन स्वीप कर देगी पानीपत में सारी सीटें जो है। कहने की बातें, ऐसा कुछ नहीं है, बीजेपी जीत सकती है, ऐसा कुछ नहीं है, बन सकती है। आपको क्या लगता है सर? सर वो रोहित रेवड़ी जीतेगी। पक्का? पक्की बात है? ऐसा क्यों लगता है आपको? ये है, काम करवाते हैं लोगों के, सब कुछ है, ये है, अगले उनके पास जाओ सुनते हैं पूरी। अच्छा। और क्या? अच्छा, व्यापारी जो हैं उनकी जो है ख्वाहिशें बहुत सारी होती हैं। व्यापारी ऐसा व्यक्ति होता है कि उसकी जो चाहते हैं वो कभी कम नहीं होती हैं, उसको और चाहिए तो और चाहिए। तो पिछले 5 सालों में आपने क्या कुछ बदलते हुए देखा? आपने इस मार्केट में आपकी दुकानें भी हैं, क्या कुछ बदल गया, क्या कुछ चीज़ें हुई? बदला बुला तो कुछ नहीं है जी, मार्केट तो वही चीज़ है जी। कहने हम कुछ ज़्यादा बदलाव आए इस साल, कोई आए नए आए, कोई बदलाव करें कुछ, मगर दिखता नहीं है कोई ज़्यादा, कुछ चेंज नहीं कुछ हुआ है, कुछ बदलाव नहीं होता वैसे आज भी। व्यापारी चाहता क्या है अगले 5 साल में, क्या होता हुआ, क्या देखना चाहता है वो कि क्या हो जाए? विकास चाहता है। कैसा विकास चाहता है व्यापारी? ये चाहता है मार्केट में काम हो, दुकानों भी अच्छा, ये गंद कूड़ा ना खिंडा मिले सवेरे सवेरे, यही चाहता है कि कस्टमर आए अपना अटेंड हो अच्छे से। ये तो सिविक प्रॉब्लम्स होगी ना, तो ये तो भाई समाज का हर नागरिक यही चाहता है। व्यापारी क्या चाहता है? व्यापारी तो विकास ही चाहता है कि मेरी उन्नति हो, मेरे काम में बढ़ोतरी हो। तो यहाँ जो है ये इन्होंने जो है बात पकड़ी है कि उन्नति हो और जो काम काज बढ़े। बिल्कुल जी, मार्केट में देखो पैसा आएगा तो दुकानों के पास भी आएगा। ये सरकार जो है क्या एफर्ट कर सकती है, जो नई सरकार बने प्रदेश के अंदर, पता नहीं किसकी सरकार बनेगी, लेकिन जिसकी भी सरकार बने व्यापारियों के लिए ऐसा क्या कर दे कि व्यापारियों के जो है दिन बदल जाए? व्यापारियों को ये कर सकती है, जैसे कि यहाँ पार्किंग सुविधा नहीं है, पार्किंग सुविधा कर सकती है, ठीक है, बैरिकेड वहाँ लगा सकती है। यहाँ पार्किंग बहुत समस्या रहती है, जब कोई फेस्टिवल आते हैं आगे जाते हैं बहुत, तब दिक्कत परेशानी होती है, कई बार लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है यहाँ पर पार्किंग को लेकर। इस तरह की हम चाहते हैं ऐसी आए कोई हमें फैसिलिटी दे ताकि पार्किंग इस तरह की हमारे को सुविधा मिले, ताकि अच्छे से कस्टमर भी आ सकें, अपने जो खरीदारी कर सकें। इस तरह से कोई हम चाहते हैं सरकार ऐसा कोई एक्शन ले, तो सरकार जो है ऐसा कोई एक्शन ले। पानीपत के इन व्यापारियों की जो मांग है उस मांग को हम अब आगे लिए चलते हैं और कोशिश करेंगे कि जो उम्मीदवार हैं आपकी बार मैदान में पानीपत से और जो अलग अलग सीटों से, उनसे भी हम बातचीत कराने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। फिलहाल उतरे हैं पानीपत के इस बाज़ार में जहाँ पर ग्राहकों से बात कर रहे हैं, जहाँ पर व्यापारियों से बात कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जो है पानीपत की जो चुनावी धड़कन है वो किस दिशा में धड़क रही है, किसके लिए धड़क रही है।